हेलो स्टूडेंट, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ टैली ऑफ टू वर्ड्स फ्रॉम अपेक्ट ऑफ सन। ये आपकी सप्लीमेंट्री की बुक है और इसका फर्स्ट चैप्टर है अ टैली ऑफ टू वर्ड्स। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, सो एवरी वन विल रीड इट वेरी केयरफुली एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस चैप्टर। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, सो इसको आप ध्यान से देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन, आई वुड लाइक टू से यू, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल दैन डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, टैली मीन्स होता है स्टोरी। ऑफ टू वर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी, जो इसका टाइटल है वो है दो चिड़ियों की कहानी, ए टैली ऑफ टू वर्ड्स। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ व्यूज़ दिए हुए हैं, इस चैप्टर के पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उनको बहुत ध्यान से देख लेंगे। ए मदर वर्ड एंड हर टू यंग वन लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। एक चिड़िया और उसके दो छोटे बच्चे जंगल में अपनी माँ के साथ रहते थे। द मदर वाज किल्ड इन अ स्टॉर्म, एक बार एक तूफान आया जिसमें उनकी माँ की डेथ हो गई। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और दोनों चिड़िया के बच्चे एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम, और फिर बाद में दोनों को अलग अलग घरों में पाया गया। अब देखेंगे हम, जब वो बच्चे अलग हो गए तो जो दो घर थे, उन घर में जो रहने वाले लोग थे, उनकी संगति का उन बच्चों के ऊपर क्या असर हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं जूम भी करती जा रही हूँ जिससे कि आपको भी दिखाई दे, मुझे भी दिखाई दे। देयर वंस लिव्ड अ वर्ल्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल में एक चिड़िया अपने दो न्यू बॉर्न बेबीज के साथ रहती थी। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर वर्ड टुक केयर ऑफ अ लिटिल वन डे एंड नाइट। वो चिड़िया एक लंबे ऊंचे घने पेड़ पर रहती थी, घोंसला बना रखा था उसने, और वहाँ पर वो दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करती थी। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, एक बार एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वाज थंडर लाइटनिंग एंड रेन, बिजली कड़क रही थी और बारिश हो रही थी और थंडर स्टॉर्म तूफानी रात थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और पेड़ जो हवा चल रही थी वो इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों को उखाड़ती जा रही थी। द टॉल ट्री इन विच द वर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, और जिस पेड़ पर चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था वो पेड़ भी नीचे गिर गया। द टॉल ट्री इन विच द लिव्ड आल्सो केम डाउन, ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, और एक पेड़ की बड़ी सी ब्रांच उस नेस्ट के ऊपर आई एंड किल द बर्ड, और उससे चिड़िया मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और भाग्य से उसके जो दोनों बच्चे थे उनको हवा अलग अलग दिशा में बहा ले गई, वहाँ से ले गई। मतलब एक छोटे होते उनको तो दम ही नहीं होता, एक को राइट और एक को लेफ्ट, मतलब इधर उधर ले गई, अलग डायरेक्शन में ले गई। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव, एक जो छोटा बच्चा था वो एक केव, केव मतलब गुफा में, जहाँ पे एक गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स मतलब डाकू, डाकुओं का एक गैंग रहता था, ग्रुप रहता था। और द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और थोड़ी दूरी पर एक जो दूसरा बच्चा था वो एक ऋषि के आश्रम के बाहर जाकर गिर गया। देखो ये उन्होंने पूरा व्यू दिया हुआ है कि किस तरीके से हवा चल रही है, अलग अलग डायरेक्शन में देखो बच्चे चले गए, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अब हम आगे देखेंगे। डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, धीरे धीरे समय बीतता गया और जो चिड़ियों के बच्चे थे, चिड़िया के बच्चे थे, वो अब बड़ी चिड़िया बन गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम इन द फॉरेस्ट टू हंट, ही saw a deer and rode after it, और एक बार एक राजा
उस देश का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया। उसने देखा एक हिरण को और वो उसका पीछा करने लगा। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और वो बहुत तेज भाग रहा था। फॉलोड बाय द किंग, राजा उसका पीछा कर रहा था हिरण का और वो बहुत तेज भाग रहा था। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज, और राजा जल्दी ही अपना रास्ता भूल गया और उसे ये नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ आ गया है। और इसके बाद में देखो क्या हो गया, ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वो चलने लगा कहाँ पर कुछ समय तक, तो वो एक साइड की तरफ चलता रहा और बहुत थक चुका था, जंगल में एक तरफ चलता जा रहा था, थका हुआ था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री, वो थक गया, उसने अपने हॉर्स से वो नीचे उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एंड स्टूड नियर ए केव, और वो कहाँ पर था, एक केव, केव मतलब गुफा के पास। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, तभी उसने देखा कि एक आवाज़ आई जोर से, क्विक हरी अप देयर इज समथिंग अंडर द, ये देखेंगे, अरे क्या हो गया, यस यस, यहाँ वो जब गुफा की तरफ आ गया और तो उसने देखा एक आवाज़ सुनी। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री एंड स्टूड नियर ए केव, जो है हॉर्स को केव के पास खड़ा कर दिया, खुद पेड़ के नीचे बैठ गया। और सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, अंदर से शोर मचती हुई आवाज़ आई, क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समथिंग अंडर द ट्री, देखो कुछ पेड़ के नीचे है, केम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, उसके घोड़े को छीन लो, उसकी ज्वेलरी छीन लो, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो चला जाएगा। द किंग वाज अमेज्ड, ही टुक अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, उसने देखा एक बड़ी भूरे रंग की चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। अंडर विच ही वाज सिटिंग, जिसके पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था। ही आल्सो हियर फैंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, उसने देखा और कुछ आवाज़ें, ये आवाज़ें केव से भी आ रही हैं। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे ऑन द फास्ट एज ही कुड, और देखा उसने कि ये आवाज़ें सुनकर के वो राजा वहाँ से भाग गया। और फिर सून ही केम टू द क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, और जल्दी वो वहाँ एक ऐसी जगह आ गया जो उसको कुछ आश्रम के जैसा दिखाई दे रहा था, जो केव के पास आ गया वो वहाँ से निकल के दूसरी जगह। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स ऑन ए ट्री, उसने अपने घोड़े को एक जो है पेड़ से बांध दिया। एंड सेट डाउन ऑन इट्स शेड, और उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, तभी उसने एक मधुर आवाज़ सुनी, जेंटल से यहाँ पे है, मधुर आवाज़ सुनी, वेलकम टू द आश्रम सर, आपका आश्रम में स्वागत है, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया आश्रम के अंदर जाएं और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि वापस आ गया। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट के अंदर कुछ ठंडा पानी था, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपया अपने आप को आरामदायक महसूस करें, कोई संकोच ना करें। द किंग लुक्ड अप एंड saw a बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने फिर ऊपर देखा तो देखा वैसे ही एक ब्राउन कलर की एक बड़ी सी चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है। ही वॉज अमेज्ड, उसे आश्चर्य हुआ, दिस वर्ल्ड लुक्ड लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, उसको तो ये चिड़िया बिल्कुल वैसी लगी जैसे वो वहाँ पर केव के बाहर थी, गुफा के बाहर थी। ही said to himself loudly, उसने अपने आप से कहा, यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, फिर उसने अपने आप से जब ये बात कह रहा है ज़ोर से कि ये चिड़िया तो मुझे बिल्कुल केव के समान, केव के पास जो चिड़िया मिली थी बिल्कुल वैसे ही, तो एकदम से वो चिड़िया जवाब देती है, यस यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही वॉज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्ट्स, उसकी दोस्ती रॉबर्ट से हो गई, डकैतों से हो गई है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो बिल्कुल वैसे ही बोलता है जैसे उसके दोस्त यानी कि रॉबर्ट्स बोलते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एंड नी मोर, वो मुझसे भी ऐसे ही बात करता है, इस तरीके से मेरे से भी बात करता है, उसने कहा। एंड देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम,
इससे ज़्यादा वो मुझे कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि तभी वहाँ पर ऋषि अंदर एंटर हो गए, ऋषि का प्रवेश हो गया। या देखो आपको पिक्चर दिख रही है, वो बर्ड बता रही है राजा को, और तभी देखो ऋषि अंदर आ रहे हैं। अब वेलकम सर, ही सैड टू द किंग, उसने किंग से कहा प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, ऐसा फील करिए जैसे आप घर में हों। यू लुक टायर्ड, आप थके दिख रहे हैं, रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी अपना रेस्ट कर लीजिए, देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरे भोजन को अपने साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू वर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। तो राजा ने कहा कि दो चिड़ियाँ जो बिल्कुल एक समान दिखाई देती हैं, उनका व्यवहार कितना अलग है, हाउ, कैसे। तो ही सैड, उसने कहा राजा ने, तो द होली मैन स्माइल, होली मतलब पवित्र आत्मा से होता है, यानी कि संत, वो संत मुस्कुराया एंड सैड, उन्होंने कहा आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाई द कंपनी वन कीप्स, जो जिसकी जैसी संगति में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। दैट वर्ल्ड हैज़ Always hear the talk of robbers, वो हमेशा robbers की ही बातें सुनता रहता है, उन्हीं के साथ बात करता है। He imitates, imitates मतलब होता है बच्चों copy करना, what is the meaning of imitates, copy करना, नकल करना, तो he imitate, वह नकल करता है them, उनकी, and talks about robbing people, और उन डकैतों के समान ही बातचीत करता है। This one has repeated What he has always heard, वो वही बातें रिपीट करता है जो सुनता है। He welcomes pupil to the ashram, और ये जो हमारा आश्रम में रहता है पक्षी, now come inside and rest, और तो वो हमेशा लोगों का वेलकम करता है, inside and rest, I will tell you more about this place and these words, अब उसने राजा ने कहा आप अंदर आइए आराम करिए, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं आपको इस स्थान के बारे में और इन चिड़ियों के बारे में और अधिक जानकारी दूंगा। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट शेयर करिए, थैंक यू।